يا الله انت الرحيم يا الله ابني عطاك يا الله انت الكريم الله منك العفو يا الله انت العظيم الله يا الله منك الرجاء يا الله انت الحليم الملك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين वसलमदी वजमाइी वन तब्यान अला योम्दीन अम्माबाग मोहतरम भाइयों और बहनों हदीफ की मशहूर किताब रियान का हम तफसी के साथ जिक्र कर रहे हैं उसके हर बाग का ख़ुलासा और निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इमाम नबी रहमत आज जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम दिन मशहूर मुहदस गुजरे हैं बड़ी मेहनत और जाफिशानी के साथ जख़ी अहादीस से तलाश करके इस मजमूे को तैयार किया है ये मजमु एक अनमोल तोहफा है हैलमाय कराम के लिए खुतब मसाजिद के लिए अईम के लिए और आम लोगों के लिए इसलिए कि उनका तरीक़ा ये है कि इसके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स अबाब बताए हैं और हर बाप के तहत मुतल आयात और अहदीस का जिक्र करते हैं यही तो दो चीज़ें हैं कुरान और हदीस जिसके ज़रिए से हम अपने अकीदे को मजबूत बना सकते हैं अपने आमाल को दुरुस्त कर सकते हैं और ज़िंदगी का सही अंदाज़ से तस्किया कर सकते हैं जिस घर में कुरान सुन्नत की रोशनी दाखिल हो जाए वहाँ कोई अंधेरा और तारीकी नहीं होगी और जो घर कुरान और हदीस की रोशनी से खाली हो वहां अंधेरा तारीकी और जलालत छा जाएगी इसलिए हमारी गुजारिश होगी अपने तमाम मोज़ज़ भाइयों से और बहनों से कि वो अपने घरों को कुरान सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करें हदीस को पढ़ें हदीस को समझें हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें यही रसूल अलैहि वसल्लम पर ईमान और आपके साथ मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपने चलने फिरने उठने बैठने को रसूल अलैहि वसल्लम की सीरत तयबा से सजाने और संवारने की कोशिश करें गुजतः हमने लिबास के मुतल चंद बातें ज़िक्र की हैं जिसका खुलासा यह था कि लिबास इस तरह से पहना जाए कि जिसमें तकल्लुत तसनुआत ना हो और आपकी मौसमी ज़रूरियात को पूरा करता हो और उसके साथ लिबास ढंग का भी हो यह नहीं है कि आप कोई टिपिकल अंदाज का लिबास पहने बल्कि मुसलमान को लिबास के अंदर भी शायस्तगी इख्तियार करनी चाहिए सादगी हो लेकिन महजब तरीक़े का लिबास हो इसीलिए मर्दों के लिए जो आदाब बताए गए उनमें से एक अदब यह था जिसका इससे पहले तफसीली जिक्र हुआ कि वो किसी मजहब का ख़ास मजहबी लिबास ना हो और इसी तरह से मर्दों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने टखनों से नीचे अपनी इजार तहबन या तोप वगैरह को लटकाए रखें इसलिए कि इससे मना किया गया बाज लोग इसमें दसियों किस्म के बहाने और हीले बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नफ्स इतना मोटा हो चुका है कि उनको आमादा नहीं होने देता कि तखने से लिबास को ऊंचा करें एंकल से ऊपर करना उनके लिए बहुत जान जोखम का काम दिखाई देता है जबकि रसूल अक्रम हिदायत दिया करते थे देखिए इमाम नवबी ने रियाज सालिहीन में इस चैप्टर के तहत जो अहदी जिक्र की

इसलिए कि यह बजाय खुद तकबर है बजाय खुद घमंड है और अगर कोई घमंड की नीयत से तकबर करते हुए अपने टखनों से नीचे करेगा तो ये दो आतिशा बन जाएगा यानी करेला और नीम चढ़ा एक गलत और दूसरे नीयत भी गलत और अगर तकबर करने की नीयत ना भी हो फिर भी यह गुरत है बजाय खुद ये तकबर है व इन निनखीला वनबुलमखी कि ये तकबर की अलामत है और अल्लाह तला को घुमन तकबर हरगिज हरगिज पसंद नहीं है इसलिए नबी करीम वसल्लम के साहबा इसका खास तौर पर अहमाम किया करते थे बहुत सारे मोजीन ऐसे हैं जिनको तखनों से पायजाम या शलवार ऊपर करने के लिए कहें तो इतना गुस्सा आ जाता है जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की उनके साथ या वो उसमें दसियों बहाने बनाते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है ये क्या है ये क्या नहीं है मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि जब एक बात रसूल अक्रम सापसंद हो तो मुझे और आपको भी नापसंद होना चाहिए जब नबी करीम सल्ला वसम एक चीज़ से मना करें मुझे और आपको रुक जाना चाहिए बग़ैर एक्सक्यूज के बग़ैर हीले और बहानों के बाद लोग जो अपने टखनों से ऊपर पायजामा या शलवार करते हैं उनको समझते हैं कि ये जो है ज़रा एक्सट्रीम किस्म के लोग हैं या ऊंचे पुराने लोग हैं हालांकि ये सुन्नत पर अमल करने वाले हैं ये सुन्नत के फिदाई हैं ये चाहते हैं कि वो काम करें जिसके करने का नबी करीम वसल्लम ने हुक्म दिया है और अगर ये मसला हराम और हलाल का ना भी हो तो कम से कम इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि टखनों से नीचे करना ये शक व शुबे की बात है डाउटफुल चीज़ है और मोमिन के लिए तो ये भी बताया गया कि जहाँ शक व शुबा हो उससे भी तुम परहेज करो उससे भी तुम ऐतराज करो तो क्यों हम अपने ईमान को इस तरह दाव पर लगाएं और इसी तरह से रसूल अक्रम सम ने मुख्तलिफ मौकों पर उन लोगों को जो अपने टखनों से नीचे किया करते थे क्या कहा करते थे आपने एक मरतबा एक मौके पर आपने फरमाया फमा कानाबीन फहूआ फ सुन लीजिए यह हदीस है रसूल अक्रम सम की अबू दाऊद की यह रिवायत है अथेंटिक सन्नत सही रिवायत कि जो टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा वो हिस्सा गया कि आप जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसलिए ऐसी चीजों से परहेज करें खुतिन के लिए ये हुक्म दिया गया कि वो टखनों से नीचे रखें और आज कल जमाना उल्टा चल रहा है कि खवतान टखनऊ से ऊपर करने को फैशन समझती हैं और मर्द हजरात उसके नीचे करने को फैशन समझते हैं बल्कि बाद लोग जो सूट पहनते हैं वो कहते हैं कि ट्राउजर का बॉटम शूज़ के ऊपर गिरना चाहिए यानी टखनों से भी नीचे शूज़ के ऊपर गिरे तभी तो आप अप टू डेट समझे जाएंगे यानी हम अप टू डेट उस वक्त समझे जाएंगे जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें उसके बाद फिर लिबास के सिलसिले ही में एक और बात बताई गई वो ये है कि आपका लिबास तकल्लुफात से खाली हो यानी आप खाम के बहुत बनावट वगैरह ना करें कि इस तरह के सारा जोर लिबास ही पर डाल दिया जाए और यह भी ना हो कि आपका लिबास टिपिकल अंदाज का हो जैसे एक मौके पर नबी करीम वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए वो सफर से आए और उसी हालत में आपकी ख़िदमत में आ गए जाहिर है कि सफर की अलामतें उनके ऊपर थीं, यानी मतलब बाल बिखरे हुए थे कपड़े वैसे ही थे तो आपने कहा कि क्या इससे बेहतर हालत में तुम नहीं आ सकते बाद में वो गए नहा धोकर अपने कपड़े उपड़े तब्दील किया तो जब आपकी ख़िदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया ये पहली पोजिशन बेहतर है या अब वाली बेहतर है यानी पहली पोजिशन को आपने पसंद नहीं फरमाया इसी तरह एक मौके पर आपने देखा एक सहाबी को कि वो पगड़ी बांधे हुए अमामा लेकिन बिल्कुल मुनासिब अंदाज का नहीं था फिर आपने उनकी तरतीब सही की यानी मतलब ये ना हो कि आप अमामा बांधे पगड़ी बांधे तो इस तरह की बांधे जैसे कोई लगे कि सर्दी से बचने के लिए कोई तोलिया ऊपर डाल लिया हो अगर आपको अमामा बांधना है प्रॉपर अंदाज से टोपी पहनने प्रॉपर अंदाज से लिबास पहनने के लिए आप शाइतगी इख्तियार करें सादगी हो उसके अंदर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात ना हो मगर टिपिकल किस्म का लिबास ना हो ताकि आप जो है हंसी मजाक का जरिया बने इस्लामी हुदूद में रहते हुए जो जायज़ चीज़ें बताई गई हैं उसमें उसी तरह से आप अमल करें बाज लोग अपने ऊपर अच्छे लिबास को खामोखा के मना कर लेते हैं हराम कर लेते हैं गोया हम अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे ये भी गलत और बाज लोग जो है सिर्फ लिबास पर पूरा जोर देते हैं ये भी गलत दोनों इफरात और तफरी चीजें नापसंदीदा हैं इसलिए आप देखें आराफ आयत जिसके अंदर एक बात बताई गई अखरजाद ही वक्त रिस्क के कौन है जो अल्लाह की हलाल करदा चीजों को जेबो जीनत को अपने लिए हराम कर और खाने पीने की जो चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए हलाल की हैं आप हराम क्यों कर रहे हैं उसको यानी तरक दुनिया ये गलत है पसंदीदा चीज़ों को छोड़ देना ये भी ठीक नहीं है बल्कि मियाना रवि आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि जो मुनासिब लिबास है सादगी हो साफ सुथरा हो ढंग का हो सलीके से आप पहने तो नबी करीम सल्हलम जैसे आप खुदब जुमा के लिए तशरीफ़ ले जाते एहतमाम के साथ जाते ईद के के लिए जाते, साथ जाया करते थे आते, मिलने के के लिए साथ मुलाकात किया करते थे। इसी तरह से मौकों पर आपका ये साबित है और इसी तरह हमें हुक्म जो दिया गया या बनी आदमी कुम्दा कुल्ली मस्जिद वलू वशरबू वीफु इलाबरिफिन तुरे आरफ आयत इकतीस के तुम खाओ पियो और जेबो जीनत की चीज़ों को भी इख्तियार करो मगर हर चीज़ लिमिट और बैलेंस के साथ हो इसराफ ना होने पाए क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और इसराफ को पसंद नहीं फरमाता ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और यही हुक्म खुवान के लिए भी है और उम्दा लिबास की जहाँ तक बात है कि देखिए बाज लोगों को अगर अल्लाह तला ने सहूलत दी है मुनासिब तो लिबास वो पहन सकते हैं ऐसा लिबास ना हो कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो लोग देख कर कि बेचारा कितना ज़रूरतमंद है आपके दो चार रुपये की मदद वो कर दें आप मस्जिद में जाए तो लोग समझेंगे पता नहीं कितनी ज़माने से ये कपड़े बदला नहीं है इसको कपड़े बदलने के लिए शायद गुंजाइश नहीं है एक जोड़ा आपको तोहफे में दे दिया जाए ऐसा अंदाज इख्तियार ना कीजिए आप ये भी एक बनावट है लिबास ही के लिए टाइम लगा देना एक तरह से वो गलत है तो ये सब कुछ रखते हुए इस तरह की हरकतें करना ये भी गलत है ये इफरात है वो तफरीत है दोनों चीजें गलत हैं दोनों के दरमियान का अंदाज होना चाहिए जैसे एक हदीस है जिसमें कहा गया तिरमिजी की रिवायत है युरा ही अला ही। कि अल्लाह ये पसंद करते हैं कि बंदे पर अगर कोई नेमत करें उसके आसार दिखाई दें यानी मुनासिब तरीके से आप रहें कि अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप इस तरह के गलत अंदाज़ को इख्तियार ना करें बल्कि मियाना रवी के साथ अपना लिबास इख्तियार करें खवातीन के लिए भी यह है कि लिबास के अंदर मियाना रवी एत पसंदी का मुजाहरा करें यह ना हो कि आपका सारा वक्त लिबास ही के लिए निकल जाए अब लिबास के अंदर कुछ शराइत भी हैं कि मर्दों के लिए क्या है और ख़्विन के लिए क्या है इसको हम इन शह तख्तसर ब्रेक के बाद बयान करेंगे देखते रहिए प्रोग्राम वक्त हुआ है एक ब्रेक का नाजरीन ब्रेक से पहले हम बता रहे थे कि लिबास के मसले में इफरात और तफरी दोनों चीजें गलत हैं। आप बिल्कुल गैर शायस्ता लिबास पहने ये भी मुनासिब नहीं है और आप लिबास ही में अपना सारा वक्त पैसा सब कुछ सर्फ करते रहें, ये भी मुनासिब नहीं है कि हर चीज जो फैशन के नाम पर आ गई कोई लोगो लगाया कोई ट्रेडमार्क लगाया उसी के मुताबिक मुताबिकबाब बनाना चाहते हैं ये दोनों चीजों से बचकर मियाना रवि का जो रास्ता है दरमियानी रास्ता वो इख्तियार करना चाहिए मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम लिबास जो सिल्क का लिबास है उससे मना फरमाया जैसे एक हदीस में है जो सही बुखारी और मुस्लिम की है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबसुल हरीर फ इन नन लबसा हो फुनिया लमयल बसू फिल आखिर तुम रेशमी लिबास ना पहनो सिल्क मर्दों के लिए सिल्क इसको हराम कर दिया गया क्योंकि जो दुनिया में पहनेगा आखिरत में उसको नहीं मिलेगा खुवान के लिए औरतों के लिए रेशमी लिबास की गुंजाइश है वो पहन सकती हैं लेकिन मर्द ये ना पहने और आज बहुत सारे लोग जो है प्योर सिल्क तलाश करते हैं जबकि सिल्क यह आपको मना किया गया इससे बचना चाहिए और इसी तरह से रसूल अक्रम वसल्लम ने इस सिलसिले में सख्ती के साथ फरमाया मन लबी के जो आदमी दुनिया में ये रेशमी लिबास मर्द आदमी पहनता है अल्लाह तला आखिरत में उसको उससे महरूम कर देगा यानी आखिरत की नमत जन्नत और उसकी जो नमतें हैं उससे वो शख्स महरूम कर दिया जाएगा रसूल अक्रम सम ने एक मौके पर सोना और रेशमी लिबास इसको अपने हाथ में लेकर लोगों से बताया कि ये मर्दों के लिए मना किए गए हैं जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजें अपने हाथों में ली और कहा इन हाजन हराम अलाती अबू दाऊद की हदीस है कि ये जो दोनों चीजें हैं रेशमी लिबास और सोना ये मर्दों के लिए हराम कर दिया गया ये दोनों औरतों के लिए हैं औरतें सोना पहन सकती हैं जेवरात की शकल में ज्वेलरी की शक्ल में इसी तरह से रेशमी लिबास सिल्क वगैरह वो पहन सकती हैं मर्दों के लिए ये चीजें दुरुस्त नहीं है अलबत् खास हालात हैं, जैसे आप कहें कि इसी हालात होते हैं बाज उसमें कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो रेशमी लिबास की भी इजाजत दी गई जैसे रसूल अक्रम सला ने देखा दो सहाबा को जैसे हज़रत जुबैर हैं हज़रत अबरम इबन आऊफ़ रजी अल्लाह तुम एक मरतबा उन्हें इजाजत दी गई रेशमी लिबास पहनने की क्यों के जैसे फरमाया गया कि रखा रसूल आऊफ रजील फीलुबरीर लिहक माँ सही बुखारी और मुस्लिम में उसका रीजन बताया गया कि उनको ख़ारिश की जल्दी एक बीमारी हो गई थी कि बाजी बीमारी हो जाए और स्किन प्रॉब्लम हो जाए या ख़ारिश हो जाए खुजली वगैरह तो उसमें जो दूसरा लिबास है वो तकलीफ होता है उसकी वजह से आदमी को ज़्यादा पेन होती तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इन दोनों साहबा को इस रीज़न के तहत रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त दी इससे ये मालूम हुआ कि अगर कोई माक़ूल सबब है कोई फिज़िकल फिटनेस है कोई जिस्मानी बीमारी है इस सूरत में अगर कोई मर्द आदमी भी अपनी ज़रूरत के लिए वो पहनता है तो वो उसके लिए जायज़ है अदरवाइज आम हालात में उसको रेशम वगैरह का जो लिबास है उससे बचना चाहिए लिबास ही के बाब में एक और चीज़ जो बताई गई वो है जेब वीनत में आदमी को यानी घर के फर्नीचर में डेकोरेशन वगैरह में वो जो जायज़ लिमिट हैं बाउंड्रीज हैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसके आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान उठाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि आप जो है दरिंदों के जो खाल चमड़े वगैरह हैं उनको बिछा कर उस पर बैठा करो ये चीजें इससे मना किया गया मसलन जैसे बाज आपने देखा होगा शौकीन किस्म के लोग हैं अपने घर में कारपेट के ऊपर कालीन वगैरह के ऊपर दरिंदों के मुख्तलिफ़ किस्म के चमड़े बिछाए हुए होते हैं उनकी खालें शेर की खाल है चीता की खाल है वगैरह वगैरह और इसको जो है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न अपने आप को होने का सबूत देने के लिए वो पेश करते हैं या एक लग्जरी समझी जाती है ये और ये चीज मना की गई नहा रसोल सुल सिबा तराशा तिरमिजी की हदीस है कि नबी करीम ने एनिमल के जो स्किन लेदर वगैरह है इसको बिछा कर रखना उस पर बैठना बतौर कालीन वगैरह के इन चीजों से मना फरमाया क्योंकि इसकी वजह से आदमी इन्ही चीज़ों में लग जाता है फिर उसका जो मकसद है जिंदगी का वो बस यही होता है तो ये इस तरह की चीज़ों से मना किया गया फिर एक और मसला है कि अगर जब आप नया कपड़ा पहने तो ये अल्लाह ताला का मुकाम शुक्र है कि आप अल्लाह की इस नेमत पर शुक्रगुजार बने अल्लाह ताला के कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप नया कपड़ा सिलवाएं और पहने तो इस पर अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक कपड़ा एक बार पहन लेते हैं तो उन्हें मालूम नहीं है कि दोबारा हम जब बदलेंगे तो कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फटे पुराने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कपड़ों के मुंतजर होते हैं कि अगर वो कपड़ा छोड़ देंगे तब हमें मिलेगा हम पहन लेंगे तो उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने अगर आप पर करम किया है और आप नया कपड़ा पहनने की पोजीशन में हैं तो अल्लाह का शुक्र करते हुए दुआ कीजिए देखिए इस्लाम कितना पाकिजा दिन है कि हर जगह हमें किसकी तरफ ले जा रहा है अल्लाह की इबादत की तरफ अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ अल्लाह की हमदना की तरफ तो एक मोमिन का अंदाज यही होना चाहिए अच्छी सवारी पर बैठे शुक्र कीजिए अल्लाह का अच्छा खाना खाए शुक्र कीजिए अल्लाह तला का अच्छे घर में रहते हैं तो अल्लाह का शुक्र कीजिए अच्छा लिबास पहनने को मिल रहा है तो शुक्र कीजिए अल्लाह ताला का तो उस मौके पर एक दुआ हमें बताई गई के या अल्लाह तेरी तारीफ है कि ये लिबास जो मैं पहन रहा हूं ये तूने मुझे अता किया है असअलू का खैर हूँ वह खैरा माँ सुन लहू मैं इसके अंदर जो खैर बरकत है वो तुझसे मांग रहा हूँ वह अदबी का मिनशर्री वह शर्री माँ सुन या लहू और जो इसके अंदर कोई बुराई का पहलू है तो या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ यानी इसमें देखिए अल्लाह का शुक्र भी है और अल्लाह ताला से मजीद तलब भी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई बुरा पहलू है तो उससे पना भी मांग रहे हैं तो इसलिए आदमी जब लिबास पहने तो वो ये दुआ पड़े अगर नया लिबास हो तो इसकी वजह से उसके लिए और भी ज्यादा खैर बरकत होगी अल्लाम तो ये एक मुसलमान का अंदाज और एक मुसलमान का तरीका होना चाहिए फिर इमाम नवाबी र्ल ने इसके बाद चूंकि ये लिबास वगैरह का मसला तो उसके बाद कुछ घरेलू आदाब के बारे में कुछ अहादीस का तस्करा किया है तो अब देखिए इसमें सोने के आदाब जो बताए गए आम तौर पे रसूल अक्रम सम का जो मामूल था आप सोने के लिए जाना चाहते तो बायदा वजू करते और उसके बाद में जो मुख्तलिफ दुआएं आप पढ़ा करते थे और कुरानी मजीद की जो है आयात आप खास तौर पर रात में उसका विर्ध किया करते थे फिर उसके बाद आप लेटते थे अपने राइट साइड पर करवट पर यह नबी वसल्लम की अदा है और इसमें बहुत सारे जिसमानी फायदे भी हैं तबी फायदे भी हैं देखिए नबी की सुनत पर अमल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा नबी से मोहब्बत दूसरा फायदा अजर व तीसरा फायदा जिस्मानी तौर पर तिब्बी एबार से भी उसमें बरकत रखी गई है यानी नबी सल्हलम का कोई अंदाज ऐसा नहीं है जो तिब्बी एबार से हमारे लिए नुकसानदेह हो या उसमें फायदा ना हो फायदे ही फायदे हैं सवाब की नीयत अजर की नीयत सुन्नत पर अमल करने का शौक यह सब चीज़ें फायदे ही फायदे की हैं अब देखिए रसूल अक्रम सब बिस्तर पर जाते वो अपने औलाद वगैरह वो पढ़ लेते तो जब लेट तो आप जो है दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह में जागूंगा और सुबह पहले सही बुखारी की है। क्या पढ़ा करते थे अलहमदी अहियाना बदमा अमा तना वही ने तारीफ है कि तू ने हमें जिंदगी अता फरमायी मरने के बाद और एक दिन मर बिल आखिर तेरे ही तरफ जाएंगे और जब तू चाहेगा उसको उठाएगा यानी हर दिन बंदे मोमिन जब बिस्तर पर लेटे तो अपनी मौत को याद करे हालांकि हम सो रहे हैं आराम करने के लिए बेड पर बैठे हुए हैं मगर दुआ क्या पढ़ रहे हैं मौत को याद कर रहे हैं क्योंकि नींद मौत की हल्की सी एक किस्म है और मौत इसी की बड़ी शक्ल है आंख बंद हो गई और हमेशा के लिए बंद हो गई यही मौत है तो मौत को याद करके जो आदमी सोता है अपने गुनाहों को भी याद करता है कि या अल्लाह क्या मेरे अमल इसकाबिल हैं कि मैं अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो मैं अल्लाह के हजूर पेश हो सकूं और इसी तरह से जब सुबह आदमी जागता है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कर रहा है और अल्लाह का शुक्र करते हुए कहता है कि या अल्लाह तूने मुझे जिंदगी अता की यानी बिस्तर से उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिंदगी अता फरमाई और एक दिन ऐसी मौत आएगी जिसके बाद मैं उठूँगा नहीं बल्कि वो सीधा फिर मैदान महर में मुझे खड़ा किया जाएगा तो सुबह और शाम अगर हम इस तरह का विरत करते रहें तो इसमें खैर और बरकत है तो ये सोने की दुआ और ये जागने की दुआ हम खुद भी पढ़ें बच्चों को भी याद दिलाएं उसका मफहम भी अपने जहनों दिमाग में रखें इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल इसमें जिक्र किए गए हैं जो हम इन शह तेने आइंदा दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे यहाँ वक्त हो रहा है हमारा इसलिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله